तो आज तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, विंस मैकमैन अपने ऑफिस के अंदर ताता थैया कर रहे होंगे। रीजन ये क्योंकि स्मैकडाउन फाइनली अच्छी रेटिंग्स ला चुका है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर हमने देखा टैग टीम यूनिफिकेशन मैच, ब्लड लाइन के पास सारा गोल्ड आता हुआ नजर आ, और भैया लग ऐसा रहा है इस गोल्ड के कारण WWE वालों को तगड़ा वाला फायदा हुआ है। रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप आ चुकी है सामने, जिसको सुनकर विंस मैकमैन नाच रहे होंगे अपने ऑफिस में। साथ ही रिसेंट टाइम में स्मैकडाउन के एक सुपरस्टार ने क्लेम किया कि वो बनने वाला अगला अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और रोमन से लेने वाला टाइटल, और ये बातें सारी टॉकिंग स्मैक के शो में हुई है। नयोमी और शॉशा बैंक्स को लेकर भी काफी सारी चीजें हो चुकी हैं WWE ने उन्हें देन नाउ एंड फॉरएवर प्रोमो से हटा डाला, उनका फेसबुक पेज डिलीट कर दिया, और इसके रिस्पांस में नयोमी ने भी एक बड़ा कांड कर डाला है। प्लस ब्रॉक लेसनर भी काफी नाराज थे WWE से, जब उनको एक मैच के लिए आज से काफी साल पहले सिर्फ 1 करोड़ रुपए मिले। हां, सिर्फ 1 करोड़ रुपए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले वीडियो को क्विक अपडेट के साथ में इस बारे शेमस के फैक्शन के बारे में जुड़ी है। लगातार हम लोग देख रहे हैं भैया स्मैकडाउन के अंदर शेमस बच हो गए और हमारे रिजी हॉलैंड हो गए, तीनों एक साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक इनके पूरे फैक्शन को कोई भी WWE ने नाम नहीं दिया था, लेकिन रिसेंटली टॉकिंग स्मैक के शो के ऊपर फाइनली उनका जो नेम है वो रिवील होता हुआ नजर आता है, और WWE यहां पर रेफरेंस करती है शेमस, रिजी हॉलैंड और बुच को एज ब्रॉलिंग ब्रूट्स, यानी कि उनके फैक्शन का पूरा नेम होने वाला है। देखते हुए आने वाले टाइम में किस तरीके से स्टोरी जाती है। बुच का तो करेक्टर अलग ही चल रहा है, पता नहीं कौन से शॉर्ट टेम्पर्ड वाले इंसान बनाकर रखा बिचारे को। बाय द वे आज की जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार हमारे ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन यानी कि रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है, और वे रिसेंटली स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद टॉकिंग स्मैक एपिसोड होता है, और यहां पर हमारे किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल शिंसुके नाकामुरा इस बात को क्लेम करते हैं कि वो अगले अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे और वो रोमन रेंज से बदला लेने वाले हैं। यहां पर भैया आते हुए नजर आते हैं नाकामुरा टॉकिंग स्मैक के ऊपर, पहले बात करते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। वो कहते हैं मेरे हिसाब से सैमी ज़ेन रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, लेकिन स्टिल मैंने उसे हराया, और हां मैं अभी तक भूला नहीं हूं कि ब्लड ने मेरे साथ में मेरे दोस्त रिक के साथ में क्या कुछ चीजें की हैं। मैं ये चीजें भूला नहीं, बस मैं एक अच्छे टाइम का एक सही टाइम का वेट कर रहा हूं, फिर मैं रोमन तुम्हारी तरफ आने वाला हूं, और जो टाइटल है स्ट्रैप से वो मैं तुम्हारे पास से फॉर श्योर ले जाऊंगा। तो ये कुछ धमकी भरा मैसेज है भैया नाकामुरा की तरफ से हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के लिए। अगर मैं बात करूं रियल टाइम के बारे में तो भाई नाकामुरा एक अच्छे खासे कंटेंडर है रोमन रेंज के लिए, अगर WWE ने सही से बिल्ड करे, लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है काफी जल्दी एक स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर हमें रोमन वर्सेस नाकामुरा एक एब्सोल्यूट बैंगर मैच मिलेगा, वो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है रिसेंटली हुए स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। भैया ऐसी क्या स्मैकडाउन की रेटिंग आ गई कि जो विंस मैकमैन आज अपने ऑफिस के अंदर बैठ के ताता थैया कर रहे होंगे। अब देखो अगर मैं बात करूं रेटिंग के बारे में, लगातार जो स्मैकडाउन की रेटिंग है वो WWE वालों को डिसअपॉइंट कर रही थी। 1.8 मिलियन, 1.7 मिलियन ऐसी रेटिंग स्मैकडाउन की आ रही थी, वो शो जहां पर 2 मिलियन से रेटिंग नीचे जाती नहीं थी नो मैटर जितना मर्जी वाहियात शो हो जाए। लेकिन भैया रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर टैग टीम यूनिफिकेशन मैच होता है, और लग ऐसा रहा कि फाइनली इस मैच ने हेल्प की WWE की। पिछले हफ्ते जो व्यूअरशिप आई थी 1.796 मिलियन के अराउंड आई थी, लेकिन इस हफ्ते जो एवरेज व्यूअरशिप है वो 2 मिलियन के एकदम क्लोज आ चुकी है, या फिर अगर आप राउंड ऑफ करोगे वेबसाइट्स पे जाके चेक करोगे वो 2 मिलियन बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो एवरेज नंबर आया सामने वो 1.9965 मिलियन का है, यानी कि भाई ऑलमोस्ट आप 2 मिलियन इसे कह सकते हो। लेकिन अगर बात करूं पहले घंटे के बारे में, पहले घंटे के अंदर व्यूअरशिप आती है 1.958 मिलियन व्यूअर्स, और दूसरे घंटे में व्यूअरशिप आती है 2.035 मिलियन व्यूवर्स। तो भाई देखा जाए कि ये आई गेस पहली बार ऐसा है कि लंबे टाइम बाद हुआ है कि WWE की पहले घंटे के मुकाबले दूसरे घंटे में व्यूवरशिप बढ़ी है, वरना ज्यादातर क्या होता है व्यूवरशिप डाउनफॉल में जाती हुई नजर आती है। लेकिन ऑफ कोर्स टैग टीम चैंपियनशिप यूनिफिकेशन मैच था, RK ब्रो वर्सेस उसोस का जो मैच है वो एक्चुअल में नीडल मूवर, एक रेटिंग ड्रॉ साबित हुआ स्मैकडाउन के शो के लिए, और WWE फॉर श्योर इससे बहुत ज्यादा खुश होने वाली है। वैसे हम लोगों ने उम्मीद लगाई नहीं थी कि WWE एक ही बार में टैग टीम टाइटल्स को यूनिफाई कर देगी, लेकिन ऐसा उन्होंने किया। और भाई ये कुछ आई है रेटिंग्स इस हफ्ते स्मैकडाउन के शो की, जो कि मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रेटिंग्स हैं। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है साशा बैंक्स और नयोमी की सिचुएशन को लेकर कुछ और बड़ी अपडेट्स के बारे में। वो रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा और खलबली मच चुकी है। आपने देखा रिसेंटली जो स्मैकडाउन का शो था उसकी ओपनिंग के अंदर देन नाउ एंड फॉरएवर का प्रोमो होता है, और इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद जो WWE वाले हैं वो साशा बैंक्स और नयोमी को अपने देन नाउ फॉरएवर वाले प्रोमो से रिमूव करते हुए नजर आते हैं। एक्चुअल में आप पहले देख पा रहे हो दो स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन के सामने, ये जो पहला स्क्रीनशॉट है इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि नयोमी आपको देखने के लिए मिल रही होंगी प्रोमो के अंदर, लेकिन दूसरे स्क्रीनशॉट में अगर आप देखोगे नयोमी को रिप्लेस कर दिया गया था राउडी रोंडा राउज के हाथों से। अब नयोमी की जगह नए ग्राफिक्स के अंदर देन नाउ फॉरएवर के आपको रोंडा राउज ही दिखाई देंगी। अगर मैं बात करूं साशा बैंक्स के बारे में, साशा बैंक्स का जो तो भाई सीन है वो ओपनिंग के अंदर ही आता है, यानी कि जब देन लिख के आता है ना वहीं पे आपको साशा बैंक्स मेंशन होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अब साशा बैंक्स को रिप्लेस कर दिया गया द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड से, यानी कि अब देन नाउ फॉरएवर प्रोमो के अंदर नयोमी की जगह रोंडा राउज ही,
एंड साशा बैंक्स की जगह कोडी रोड्स ने ले ली, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ी चीज है। डब्ल्यूडब्ल्यू लगातार इस कंट्रोवर्सी को लेके लगे सर अब बहुत ज्यादा सीरियस होती जा रही है। अब चलो ये तो बात रही देन नाउ एंड फॉरएवर वाले प्रोमो की, अब बात करते हैं उनके ऑफिशियल यू नो फेसबुक वाले पेजेस के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मैनेज करते थे। बताया जा रहा है रिसेंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसे डिलीट कर दिया या फिर डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि अगर आप जाके चेक करोगे फेसबुक के ऊपर नयोमी और साशा बैंक्स का ऐसा कोई भी पेज नहीं है। पहले इनका जो पेज था एक नयोमी के यहाँ पर 1.8 या फिर 1.9 मिलियन फॉलोअर्स थे, और जो हमारी साशा बैंक्स है उनके 2.9 मिलियन फॉलोइंग थी, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी ज्यादा मेजर नंबर है। लेकिन अगर आप जाके चेक करोगे अब भाई वहां पर कोई भी ऐसा पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है बता रहे कि एक्चुअल में जो मैटर है बैक स्टेज के ऊपर कितना ज्यादा सीरियस हो चुका है, वरना डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी तकलीफ नहीं करती होगी देन नाउ एंड फॉरएवर प्रोमो के अंदर जाके इन सारी चीजों को एडिट करती हुई नजर आए। अब इसके पूरे रिटेलिएशन प्रोसेस के अंदर या फिर नयोमी इसके रिस्पॉन्स में क्या करती है, वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर अपनी बायो चेंज करती हुई नजर आती है। पहले उन्होंने मेंशन किया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार नयोमी ये नाम है, लेकिन अगर आप जाके चेक करोगे अब जो नयोमी है उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार का जो रेफरेंस है जो मेंशन है वो हटा दिया अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की बायो से। तो भाई ये कुछ सीन हुआ है रिसेंटली साशा बैंक्स एंड नयोमी को लेकर, लगातार चीजें काफी ज्यादा सीरियस होती जा रही है। लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। अब नयोमी एंड साशा बैंक्स को www.shop.com से देन नाउ एंड फॉरएवर वाले प्रोमो से उनके फेसबुक वाले पेज से, और अब तो नयोमी ने डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार का मेंशन भी बंद कर दिया। इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है, इस बार हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। और भाई अगर मैं ये कहूं कि लेसनर को एक बार मैच के लिए 1 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले थे, लेकिन फिर भी इस मैच को लेकर वो खुश नहीं थे। होता है कि रिसेंट टाइम में जिम रॉस का इंटरव्यू होता है, जिम रॉस इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हैं रेसलमेनिया 20 के बारे में। अब रेसलमेनिया 20 के अंदर एक्चुअल में एक मैच हुआ था, वो था ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग के बीच में। और बताया जा रहा है जिम रॉस की तरफ से कि भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जब इन्होंने वाला मैच डिसाइड किया कि गोल्डबर्ग और लेसनर का आमना सामना होगा, तो दोनों को ये बात बता दी कि भैया आपको 250 के जो डॉलर है वो एक मैच के या फिर एक नाइट के मिलने वाले, जो कि अलग से एक तरह का बड़े सुपरस्टार्स को बोनस मिला करता था पहले वाले टाइम में। अभी भी लेसनर को भैया स्पेशल वाले पीपीवी जैसे सऊदी अरेबिया होता है उसके लिए अलग से बोनस मिलता है, अलग से पैसे मिलते हैं। तो ये सेम चीज गोल्डबर्ग और लेसनर के साथ में थी रेसलमेनिया 20 के अंदर। और उस टाइम अगर मैं बात करूं 250 के डॉलर्स के बारे में, काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट है जहां तक मुझे लगता है। और दोनों को अमाउंट बता दी गई थी विंस मैकमैन के थ्रू कि भैया आपको इतने इतने पैसे मिलेंगे, आपको रेसलमेनिया 20 के अंदर कंपीट करना है। लेकिन यहां गोल्डबर्ग तो सेटिस्फाई थे कि भैया उन्हें 250 के डॉलर मिल रहे हैं, वो भी एक ही मैच के एक नाइट के। लेकिन बताया जा रहा है जैसे लेसनर को ये बात पता चली वो काफी ज्यादा नाराज थे, इवन तुरंत जाके विंस मैकमैन के साथ में मीटिंग करते हुए नजर आते हैं कि भैया तू मुझे एक मैच में लड़वा रहा है वो भी रेसलमेनिया के अंदर, और तू सिर्फ मुझे 250 के डॉलर दे रहा है। और अगर हम बात करो 250 के डॉलर आज कितनी बड़ी अमाउंट होती है इंडियन रुपीज के अंदर, तो भाई करीबन जाके बैठती 1,94,00,000 के आसपास, जो कि मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है। यानी कि यार 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं लेकिन बंदा तब भी सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा मैं मान लेते चलो बहुत टाइम पहले की बात है, तो यार 94 लाख होंगे, अगर मैं 1 करोड़ वैल्यू हटा भी दूं तब भी भाई मेरे हिसाब से 90 लाख एक नाइट के लिए बहुत बड़े पैसे होते हैं। लेकिन लेसनर जो हमारे उस टाइम सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं थे। देखो लेसनर का फंडा एकदम सीधा एकदम क्लियर है, अगर पैसे ज्यादा मिलेंगे मैं एकदम बुढ़ापे तक कम्पीट करूंगा, अगर पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे भैया 30 की अगर एज पे होंगे ना तब भी वो कम्पीट बिल्कुल भी नहीं करने वाले। एक तरह का लेसनर का यहाँ पर चीज है कि भैया अपना सपना मनी मनी, जब तक पैसे मिलेंगे तब तक लेसनर अच्छे खासे वे में रेसल करेंगे। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था रेसलमेन 20 के अराउंड कि उन्हें स्क्रू कर दिया गया सिर्फ 250 के डॉलर दे कि उन्हें रेसलमेन जैसे बड़े स्टेज के ऊपर विंस मैकमैन कम्पीट करवाते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपके हिसाब से भाई रेसलमेन 20 वाले टाइम के अकॉर्डिंग 250 के डॉलर जो अमाउंट है वो कम अमाउंट थी? मुझे नहीं लगता भैया कम अमाउंट थी, लेकिन लेसनर को जरूर कम लग रही थी। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यही तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।